प्रवीण पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई हैं कि सर, एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए हम किस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर की पढ़ाई करें जिससे हमको अच्छा नॉलेज हो पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर इंडिया में देखा जाए तो जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जिसकी मैं क्लासेस भी आप लोगों को दे रहा हूं, तो हम थोड़ा सा चेक करेंगे, जानेंगे कि सिमिलरिटीज इन टैली डॉट ईआरपी 9 विजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मार्क ईआरपी 9। तो डियर स्टूडेंट्स, तीनों ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अलग सॉफ्टवेयर जो है, जैसे टैली है, टैली 100 अवर कंट्रीज में यूज किया जाता है, विजी है आपका तो विजी भी 20 अवर कंट्रीज में यूज किया जाता है, मार्क भी 27 एवर कंट्रीज में यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, तो सब अपने आप में एक बेस्ट अकाउंटिंग का एक प्लेटफॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। बट एज एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए ये नहीं कि हमको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, बस हम किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा ले ले डियर स्टूडेंट्स, तो हम बड़े आसानी से एक अच्छे एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो टैली जो है वो सबसे पुराना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली जो है, आप जानते हैं 1986 में इसका इन्वेंशन हुआ, 1988 में टैली नाम, इसकी हिस्ट्री में सारा कुछ मैं बता चुका हूं आप लोगों को। वैसे ही बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो स्मॉल एंड मिडिल लेवल की जितनी भी बिजनेस कंपनियां होती हैं उसमें विजी का एक सिंपल एक बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस है डियर स्टूडेंट्स। विजी जो है वो 1994 में ITACN 94 करके प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली इन्वेंशन हुआ डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही मार्क जो है वो उस पर वर्क तो 1992 से मार्क कंपनी थी, बट जो मार्क ईआरपी को लॉन्च किया गया, मार्क सॉफ्टवेयर को जो लॉन्च किया गया अकाउंटिंग फॉर्मेट में, मार्क को जो लॉन्च किया गया 2000 में लॉन्च किया गया डियर स्टूडेंट। आज मार्क भी एक ईआरपी का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर का विशेष यूज है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बिजनेस कंपनियां हैं जो मार्क को यूज कर रही है। मतलब कहने का यह है, टैली भी अकाउंटिंग में अच्छा सॉफ्टवेयर है, बेस्ट है हम कह सकते हैं, बिजी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है, और मार्क भी एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बट तीनों सॉफ्टवेयर को जानने के लिए आपको किसी एक को पढ़ना होगा। जैसे आप टैली पढ़ रहे हो तो टैली यदि आप डीपली पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, टैली में हर एक पहलू को, उसको अच्छी तरीके से, हर एक कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बेस अकाउंटिंग है। टैली को देखते ही और सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उससे सरल ढंग से बनाए गए हैं। बट अगर आपको टैली का विस्तृत नॉलेज हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो आप टैली में तो कर ही पाएंगे, प्लस आप बिजी अकाउंटिंग को भी बहुत अच्छे से उसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, मार्क भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर का जो व्यू है उसमें हर एक चीज हमको बेस से उसको तैयार करना पड़ता है। बट आपको बिजी अकाउंटिंग में या मार्क अकाउंटिंग में आपको इंटरफेस बना मिलता है डियर स्टूडेंट्स, मीनूज होते हैं उसमें, जैसे आप एमएस ऑफिस वगैरह पढ़ते हैं उसमें मीनू अवेलेबल होते हैं, ऐसे ही बिजी अकाउंटिंग में मार्क अकाउंट में आपको मिल जाता है, तो थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन यदि आपको बट सबका टेक्नोलॉजी जो सबका टेक्निक है अकाउंटिंग करने का, जो सिस्टम है अकाउंटेंसी आनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग करने का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैली के रूल्स अलग हैं, विजी के रूल्स अलग हैं, मार्क के रूल अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको टैली का विस्तृत नॉलेज, डीपली नॉलेज हो रहा है, जैसे मेरी की क्लासेस चल रही हैं, अगर उस क्लास को आप डेली अटेंड कर रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन करके उभरेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप कोई एक प्लेटफॉर्म चुनिए, अगर आप टैली का पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट टैली पढ़िए, आप चाहे वो बिजी हो चाहे वो मार्क हो, कहीं भी आप आसानी से आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो मेरी वीडियोस जो है वो बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखें। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी उसके अंदर के सारे कंटेंट को आप समझ पाओगे डियर स्टूडेंट। यदि आप सारे कंटेंट्स को नहीं समझेंगे तो एक अच्छे अकाउंटेंट बनने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके बहुत सारे नॉलेज ऐसे होंगे जो आप के जानकारी से परे रह जाएंगे स्टूडेंट्स। इसलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को लास्ट तक देखें, जो जरूरी पॉइंट उसे नोट डाउन करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को यही बताने इस वीडियो में आया था, जो हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे चाहने वालों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अकाउंटेंसी में बहुत सारी कंपनियां हैं कहती हैं बिजी करिए, बहुत सारी कहती हैं टैली पर काम करना है, हमें हमारे यहाँ बहुत कहते हैं हमारे यहाँ मार्क पर काम करना है, तो हम पढ़ेंगे
सर, तो मैंने इसलिए वीडियो आपको बना करके दिया है कि इस वीडियो में बता रहा हूं कि चाहे आप कोई भी एक अकाउंटेंसी को बेस मान करके आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप टैली को ही बेस मान के पढ़ाई करूं, मैं तो कहूंगा कि सबसे बेस्ट है अगर आप टैली को बेस मान करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप टैली को विस्तृत तरीके से पढ़िए, उसके बेस से पढ़िए, हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, तभी आपको एक अच्छे अकाउंटेंट आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और मैं इस वीडियो में बस यही नॉलेज देने के लिए, यही जानकारी देने के लिए आया था कि जो तीनों सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे हैं, टैली है, विजी है, मार्क है, तो उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं तीनों में। तो समानताएं लगभग एक तरीके से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है। अगर हम एक टैली को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं या विजी को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो लगभग हम कर सकते हैं। विजी को पढ़ लिया तो मार्क करना आसान है, टैली थोड़ा सा टफ पड़ेगा स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए, इसलिए हम वो टफ चीज ही पढ़े। हम टैली को अगर डीपली पढ़ लेते हैं तो हम हर एक सॉफ्टवेयर पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो आज मेरा सेशन था केवल आपके अंदर जो दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रही थी अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर को लेकर के, डियर स्टूडेंट्स, उसी लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। मेरी टैली की क्लासेस रेगुलरली चल रही है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे चैनल KCI टैली स्पेशलिस्ट को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास उसे शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैली के क्लासेस को अटेंड कर पाए डियर स्टूडेंट्स। और वीडियोस को लास्ट तक देखें डियर स्टूडेंट, तभी कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।